और जब अनंत सिंह को लोग विधानसभा का टिकट किसने दिया, अनंत सिंह को विधानसभा का टिकट किसने दिया, और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं। जनता दल यूनाइटेड न 3 में है न 13 में है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ थे तो ये अपराधी थे, उनके साथ थे तो ये हो गए। हम कहा 3 में 13, हम तो कह रहे हैं कि हमारे क्या नाम है नेता थे, हम लोगों ने टिकट दिया, अब वो नाराज होकर हमसे नीतीश जी से चले गए उनके साथ, तो आप ही ना संरक्षण दिए उनको। अरे हम आज हैं, कल हम हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, ये हमको पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है, कौन जानता है। मुकेश सहनी जी के पिता के देहांत में मैं जा नहीं सका था। मुकेश सहनी जी हमारे क्या नाम है हमारे साथ मंत्रिमंडल में हमारे साथ रहे हैं, सहयोगी रहे हैं, मेरा खुद कोई उनके साथ व्यवहार अच्छा रहा है, मित्रवत रहा है, तो निश्चित रूप से पिता की जब हत्या हो गई थी तो मेरे यहाँ पूजा का कार्यक्रम चल रहा था जिसमें मैं जा नहीं सका। मेरी बेटी गई थी क्योंकि वो समस्तीपुर लोकसभा के वोटर हैं, बिरौल में वो वोटर भी हैं, तो हम इस नाते उनसे मिलने के लिए गए थे क्योंकि हम जा नहीं सके थे पटना में, तो इसका राजनीतिक अर्थ नहीं निकालना चाहिए। MDM में उनके आने की बात हो रही है। अरे हम आज हैं, कल हम हार्ट अटैक होकर मर जाएंगे, ये हमको पता नहीं है भविष्य में क्या होने वाला है, कौन जानता है, कैसे कह सकते हैं। आप ही के पार्टी के लोग कह रहे हैं, मंत्री क्या मदन सहनी कह रहे हैं कि आएंगे एनडीए में। मदन सहनी जी से बात हुई होगी हमारी, तो इस पर कोई बात नहीं है से मेरा। अब कल क्या होगा कौन जानता है, कल मेरा ही नहीं पता है कल क्या होगा। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कहेगा, देखिए अशोक जी के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कल, आज उनको फूकने के लिए चले आए, कोई हो तो क्या क्यों नहीं हो सकता है, दैट इज पॉसिबल। 100 उदाहरण है, कल क्या होगा किसको मालूम है। आप लोग क्या चाहते हैं, लेना चाहते हैं। नहीं, हमारे साथ बड़े हमारे नेता से हमारी कोई बात नहीं हुई है, ना हमारे मुकेश सहनी जी से बात हुई है, इसलिए इसका कोई ना आगे पूछ है ना मुंडी है इसका, इसलिए इस सवाल का जवाब क्या देंगे। उनका कहना है कि आरक्षण निषाद आरक्षण के लिए हम लोग आरक्षण देगा, वो अपनी राजनीति कर रहे हैं, निषाद आरक्षण को लेकर के राजनीति कर रहे हैं, निषादों में अपनी पैठ बढ़ाना चाह रहे हैं, ये तो उनका राजनीति है ना, उससे हमको क्या मतलब। अति पिछड़ों पर नीतीश जी ने काफ़ी काम किया है और नीतीश जी का अति पिछड़ा वोट पूरी तरह से इंटैक्ट है। अगर लोकसभा का विधानसभा वाइज और बूथ वाइज अगर आप एनालिसिस कीजिएगा तो आपको पता चलेगा जहां पर अति पिछड़ा का वोट है, जहां महादलित का वोट है और जहां महिलाओं की संख्या है, वहां पर नीतीश कुमार जी के जनता दल यूनाइटेड और NDO को नीतीश जी के चलते पूरी तरह से उनको समर्थन मिला है, और अभी भी हम 164 सीटों पर विधानसभा में इस लोकसभा में जीते हैं। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग क्लेम करते हैं कि अति पिछड़ा में इसमें जमीन पर लोग कहीं नहीं। मंत्री जी, ये पूर्व विधायक जो अनंत सिंह को बड़ी मिली, उसके बाद लालू प्रसाद यादव तेजस्वी यादव कह रहे कि जब हम लोग के साथ थे तो उनको अपराधी लगते थे और आज सारा दोष मुक्त कर दिया उन्होंने, और ये पूरा प्लानिंग के तहत दोष मुक्त हमने किया भाई। बयान देने से पहले ये समझना चाहिए लोगों को, इसीलिए कहा जाता है कि पढ़े लिखे राजनीति में और जो पढ़े लिखे राजनीतिक नहीं होते हैं, दोनों में फर्क है। सिर्फ पद पा जाने से कोई बड़ा राजनीतिक नहीं हो जाता है, ये सरकार का निर्णय नहीं है, ये न्यायालय का निर्णय है, और आपको बहुत परेशानी है न्यायालय के निर्णय से तो आप अपील में जाइए। आपको अपील में जाने से कौन मना किया है। और जब अनंत सिंह को लोग विधानसभा का टिकट किसने दिया, अनंत सिंह को विधानसभा का टिकट किसने दिया, और आज उन्हीं के खिलाफ बोल रहे हैं, क्या मतलब है साहब। हम हैं 3 है न 13 में है, जनता दल यूनाइटेड न 3 में है न 13 में है। अब आप कह रहे हैं कि हमारे साथ थे तो ये अपराधी थे, उनके साथ थे तो ये हो गए। हम कहा 3 में 13, हम तो कह रहे हैं कि हमारे क्या नाम है नेता थे, हम लोगों ने टिकट दिया, अब वो नाराज होकर हमसे नीतीश जी से चले गए उनके साथ, तो आप ही ना संरक्षण दिए उनको। हमने तो उनको नहीं भगाया था, वो खुद भाग गए किसी कारण से भाग गए, नाराज आदमी होता है, व्यक्ति चले गए, लेकिन हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं कि हमारी पार्टी में नहीं थे, हमारी पार्टी में थे, हमारे विधायक थे, हम कहाँ डिनाई कर रहे हैं। लेकिन जो लोग डिनाई कर रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं, तो टिकट तो वही दिए ना भाई, हम दिए, आप ही ने संरक्षण उनको दिए, अब आप आज फिर उनको गाली दे रहे हैं, इसमें हमारा क्या भूमिका है। नहीं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी जब केंद्र में मंत्री थे, चाहे वो राज्य मंत्री थे, चाहे वो केंद्रीय मंत्री बने, अटल बिहारी वाजपेयी जी का खुद स्नेह और प्यार उनको मिला, और आज अगर हम
हमारे नेता बिहार में 18 वर्षों में 22,000 करोड़ के बजट को 2,70,000-75,000 करोड़ करने का काम किया है, तो उसमें माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी का प्रेम स्नेह और आशीर्वाद भी रहा है। तो इसीलिए माननीय नेता ने सोचा कि इनकी पुण्यतिथि, इनकी जन्मतिथि को तो हम लोग सरकारी बनाते ही थे और इनकी पुण्यतिथि को भी मनाने का काम करें, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी सभी राजनीतिक दलों से ऊपर के व्यक्ति थे। उनके काव्य पाठ, उनकी लेखनी, उनको उनकी राजनीति में उनके किए गए निर्णय, चाहे हमारा पोखरण का इशू हो, हर तरह से अटल बिहारी वाजपेयी ने एक समृद्ध हिंदुस्तान को बनाने में एक महती भूमिका का निर्वहन किया है। इसीलिए अगर साल में उनको दो बार माननीय नेता नीतीश कुमार की इच्छा पर याद किया जाएगा तो आने वाली पीढ़ी को अटल बिहारी वाजपेयी पर गर्व होगा। सर, ये नीतीश कुमार पर तेजस्वी यादव, लालू यादव काफ़ी हमलावर है। जब से नीतीश कुमार कल बोले हैं कि 10 लाख के जगह 12 लाख नौकरियां दी जाएगी, लगातार विपक्ष कह रही है कि अभी नीतीश कुमार कहां से नौकरी ला कर देंगे, जब तेजस्वी यादव 10 लाख